ब्रिटेन की वैक्सीन टास्क फोर्स के चीफ डेम केट बिंघम का कहना है कि अगली वबा 5 करोड़ लोगों की जान ले सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस मुतवक्को वबा को डिजीज एक्स का नाम दिया है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि वबा कोविड-19 से 7 गुना ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है और जल्द ही फैल सकती है, यानी इसके मामले जल्द सामने आ सकते हैं। ये वबा मौजूदा वायरस की वजह से ही फैलेगी, ऐसा इसलिए क्योंकि वायरस तेजी से म्यूटेट हो रहे हैं। म्यूटेशन का मतलब होता है कि किसी लिविंग बींग के जेनेटिक मटेरियल में बदलाव होना। जब कोई वायरस खुद की लाखों कॉपी बनाता है और एक इंसान से दूसरे इंसान तक या जानवर से इंसान में जाता है तो हर कॉपी अलग होती है, कॉपी में ये फर्क बढ़ता जाता है। कुछ वक्त बाद एक नया स्ट्रेन सामने आता है, ये बहुत ही कॉमन प्रोसेस है। वायरस अपना रूप बदलता रहता है, सीजनल इन्फ्लुएंजा तो हर साल नए रूप में आता है। अब WHO को ये डर है कि इस डिजीज एक्स के जरिए काफी तबाही मच सकती है।